आप तो 100 दे रहे हैं, 120 तक एवरेज दे रहा है। वारंटी मेरा बहुत कम समय कम मिला था, इसलिए कि कंट्रोलर का 6 महीने मिला मोट। अब जो ई रिक्शे आ रहे हैं उसमें 3 साल की वारंटी के साथ मिल रहा है। तो ज्यादा ऊंची होने से एक तो डर होता है ना कि पलटने का डर होता है, तो चला 6 घंटे में चार्ज होता है, 1 साल बाद भी। दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं यूपी के बलिया के बैरिया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर बाहुबली और पैंथर दोनों चलते थे। आपको बताते हैं कि बाहुबली और पैंथर में से कौन सा ई रिक्शा बढ़िया है या कौन सा अच्छा है, और कौन सा दोनों हमारे से ड्राइवर भाई हैं, ये ड्राइवर भैया हैं और ये पैंथर के और ये बाहुबली के, दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि ई रिक्शा इनको कैसा लग रहा है, पैंथर और बाहुबली। तो चलिए वीडियो में चलते आगे। भैया सबसे पहले बताइए आपको, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा है। और आप कितने टाइम से रिक्शा चला रहे हैं? लगभग 6-7 महीने हो गया। 6-7 महीने से चला रहे हैं? जी जी। और भाई आपका नाम क्या है? मनीष कुमार गुप्ता। और आप कितने टाइम से रिक्शा चला रहे हैं? साल भर हो गया आपको रिक्शा चलाते? क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा, ई रिक्शा 6 महीने चलाते, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं स्कूल गाड़ी चलाता था। अच्छा, स्कूल गाड़ी चलाते थे जी। उसमें ज्यादा कमाई हो जाती थी कि इसमें हो रही है? स्कूल गाड़ी में तो कुछ नहीं मिलता था, 5-6 हज़ार सैलरी मिलता था, उससे कुछ नहीं हो पाता था। अच्छा, इसमें कितना कमा लेते हैं? इसमें और नहीं तो पर डे के 500-600 से अधिक भी कमा सकते हैं। अच्छा, 500-600 अधिक कमा लेते हैं? अधिक भी कमा लेते हैं। क्या बात है। और भाई आप पहले क्या करते थे? सिलाई करते थे। उसमें उससे ज्यादा कमाई हो रही है इसमें? नहीं, उसमें वो भी काम होता है, ये भी काम होता है। नहीं, उसमें ज्यादा कमाई हो रही थी या इसमें कम ज्यादा हो रही है? ई रिक्शा चला के ज्यादा कमाई हो रही है कि सिलाई में ज्यादा कमाई हो रही है? उसमें ज्यादा हुआ था। उसमें ज्यादा हो रही थी, फिर ई रिक्शा क्यों चला रहे हैं? इसमें चला रहे हैं क्योंकि मेरा भाई चला रही है, हम चला रहे हैं, मतलब दोनों काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब पार्ट टाइम आपका ई रिक्शा चल रहा है और सिलाई भी चल, दोनों काम हो रहा है, मतलब ठीक है। ई रिक्शा से कितना कमाई हो जा रही है? ई रिक्शा से कोई लिमिट नहीं है, 500 को, 600 को, 1000, मतलब चलाने के ऊपर है, चलाने के ऊपर 500 का भी 1000 का। अच्छा, तो आप तो फुल टाइम ई रिक्शा ही चला रहे हैं? मैं तो फुल टाइम इसी पे हूं। फुल टाइम ई रिक्शा चला रहे हैं जी। क्या बात है। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए कि आपको पैंथर अभी तक ई रिक्शा कैसा लग रहा है? पैंथर इसका ठीक ही है गाड़ी, मगर हमको ऐसा लगा कि गाड़ी थोड़ा देखने में मजबूती बॉडी से भी ठीक है, माइलेज भी ठीक देती है। अच्छा, कितनी माइलेज दे देती है? माइलेज करीब 80-85-100 के आसपास, लोडिंग पर 80-85 चलती है। केवल पैसेंजर चलाते हैं तो पैसेंजर में 100-110 किलोमीटर चल जाती है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अभी तक आपने कोई भी इसमें रिपेयरिंग करवाई है? कुछ टूटा फूटा है अभी तक? अभी तक मेरे गाड़ी में कोई ऐसा एक्सीडेंट बॉडी नहीं, कोई एक्सीडेंट कुछ नहीं, कुछ नहीं है। और कोई मतलब मोटर कंट्रोल कुछ भी रिपेयर करवाया है? अभी कुछ नहीं है सर, केवल सर्विस समय से देता हूँ। सर्विस समय से देते हैं। अच्छा, चलाने में पटक मारती है पीछे? ऐसा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का तो थोड़ा ही रहता ही है। हल्का फुल्का तो बाहुबली पटक मारता है पीछे? नहीं। आपने बाहुबली क्यों ली? बाहुबली मजबूती है, इसलिए माइलेज भी ज्यादा देती है। मजबूती है, बाकी रिक्शा से मजबूती है? हाँ। क्यों भाई, ये तो कह रहे हैं इनकी मजबूती है। हमको लगा ये मजबूती है इसलिए हम ये लिए हैं। क्यों मजबूती क्यों लग रही है? क्या मजबूत, क्या मजबूत लग रहा है आपको इसमें? इसका जो चेजिस है, ये नीचे का चेजिस बोला जाता है, ये भी मजबूत है, बॉडी भी मजबूत है, ये भी आगे की भी पोजीशन मजबूत है। ये चीज़ तो मैं मान लूंगा कि इसका ये रहा और ये इसका ये रहा। अच्छा, कभी एक्सीडेंट हुआ है आपका भी? नहीं। कितना टाइम हो गया आपको? साल भर हो गया है, मतलब आपका 6 महीने पुराने और आपका साल भर पुराना। आपने कोई रिपेयर कराया है कुछ अभी तक? नहीं, कोई रिपेयर नहीं, कुछ नहीं, पर 1 साल पुराने। अच्छा, आपने कुछ रिपेयर करवाया है? अभी तो गाड़ी में कोई रिपेयरिंग नहीं है, केवल सर्विस समय से दे देते हैं। सर्विस समय से लेते हैं, बाकी कोई रिपेयरिंग नहीं? कोई रिपेयरिंग नहीं। तो बहुत बढ़िया। अच्छा, चलाने में, अच्छा आपका एवरेज कितने देता है? 120 तक देता है? आप तो 100 दे रहे हैं, 120 तक एवरेज दे रहा है? क्या बात है, क्या बात है। 120 एवरेज काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये है आपका 6 महीने पुराना जो पैंथर है, आपका 6 महीने पुराना है, और ये बाहुबली जो है आपका 1 साल पुराना रिक्शा है। अच्छा, वारंटी की बात करें तो वारंटी कुछ किस चीज़ की, कितनी वारंटी है? मेरा बहुत कम मिला था, इसलिए कि कंट्रोलर का 6 महीने मिला, मोटर का 6 महीने मिला। अच्छा। चार्जर का 6 महीने मिला, ये सब मतलब इसका डेट खत्म हो गया। चेसी की बैटरी की? चेसिस बैटरी से 1 साल है। 1 साल है जी। अच्छा, आपको वारंटी कितना मिल रहा है? बैटरी का साल भर है। अच्छा, और कंट्रोलर का साल भर उनका 6 महीने मिल रहा है आपको साल भर, मोटर की जो है वो भी साल भर। अच्छा, और चेसी की? साल भर। अभी आपको 1 साल मिला है, लेकिन जब आपने लिया था 1 साल, अब 1-2 महीने से 3 साल हो गया है बाहुबली के चेसी की जो वारंटी है। अब जो ई रिक्शे आ रहे हैं उसमें 3 साल की वारंटी के साथ मिल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है, तो 1 साल भी इनका तो 1 ही साल मिल रहा है हर चीज़, 6 महीने मिल रहा है कंट्रोल, आपको 1 साल मिल रहा है कंट्रोलर बैटरी पर भी, तो भी वो भी अच्छी बात है। खैर,
ठीक है। अच्छा, मजबूती के मामले में बाहुबली कैसा लगा चलाने में? पटक पटक मारते हैं और आप जैसे यहाँ पे इतने सारे रिक्शे चल रहे हैं, अलग अलग कंपनी के रिक्शे चल रहे हैं, तो बाहुबली आपको कैसा लगता है? बाहुबली बढ़िया लगता है। और कोई देख के बोलता है कि नहीं यार बाहुबली तो मजबूत है इस तरह से करके? नहीं, वो तो लोग बोलता है, तो लोग तो बोलते हैं कि अभी सही है, अभी सही है, ये ले लिए, वो ले लिए। अच्छा। लेकिन हमको ये पसंद पड़ा, मजबूती दिखाई दिया, मजबूती दिखाई दिया। तो अभी बोले साथ ही ले लिए, तो हम बोले वही नहीं लेंगे। अच्छा, तो हमको पसंद नहीं है। पसंद नहीं है बाहुबली? पसंद आया आपको पैंथर? पसंद आया पैंथर गाड़ी? अच्छा, यहाँ जैसे गड्ढे वड्ढे आते हैं तो उसमें जब भी चलाते हो तो उछल जाता है गाड़ी, मतलब निकल जाता है कि फस झटका मारना पड़ता है? ऐसा निकल नहीं जाते, आराम आराम से निकालने से वो निकल जाएगी खुद। अच्छा, मतलब अगर फंस गया तो थोड़ा सा आराम करके निकालना ही पड़ता है? हाँ, निकाल दे वो निकल जाएगी, थोड़ा आगे पीछे करके निकल, आगे पीछे करके निकल जाएगा, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अच्छा, और आपका मतलब एक झटके में निकल जाएगा? झटके में निकल जाता है, मतलब आराम आराम से करने फंसता है तो पीछे आ जाता है। अच्छा, मतलब आराम आराम से आपको भी निकालना? आराम से निकाल। गड्ढे में तो फिर जाहिर सी बात है, गड्ढे में तो थोड़ा आगे पीछे तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए एक बार नहीं पिकअप में चढ़ा तो फिर थोड़ा बैक लेकर फिर पिकअप बनाकर आराम से निकाल। अच्छा, मोटर कितने वाट का है आपका? एक 12 का है। 1200 वाट का? 1200 वाट का। और आपका 1200 वाट का? 1200 वाट का मोटर मिल रहा है। और बाकी सारी चीजें, अच्छा कलर आपने ग्रे कलर लिया है, आपने ग्रीनिश कलर लिया है, कलर भी आपको बढ़िया लग रहा है? कलर भी मैं अपने। अच्छा, हैंड ब्रेक देखो, आपका एक हैंड ब्रेक मेरे को सामने में दिया है और इनको भी हैंड ब्रेक सामने है। सेम है ये तो? सेम ही चीज़ सेम है, सेम कलर। एक चीज़ है, आप में जो हैंड जो लॉक है वो दो दो लॉक मिल रहा है? हाँ, दो लॉक। देखो यहाँ दोस्तों, यहाँ दो लॉक मिल रहे हैं इनको, आपको एक ही लॉक मिल रहा है। मतलब जैसे इनका क्या है, दो लॉक है। देखिए पीछे पीछे आपका वो हैंडल वाला भी है और चाबी वाला भी है? नहीं, ये मैं तो, ये तो मेरा बैटरी का जो डीकी बॉक्स है तो उसमें एक ही लॉक सिंगल है। ठीक ठीक ठीक, तो ये एक लॉक मिल रहा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप ये देखिए दोस्तों की, अच्छा ऊंचाई में गड्ढे, अगर कोई गड्ढा वड्ढा आता, पत्थर वत्थर आता तो मोटर वोटर पर लगता है पानी वानी चलाने में? पानी तो जैसे कि गाड़ी की थोड़ा हाइट हम लोग की ज्यादा है, पैंथर में पानी से कम थोड़ा लगाव होता है, तो ज्यादा ऊंची होने से एक तो डर होता है ना कि पलटने का डर होता है, तो चला अपना अपना चलाने की तरीका भी कुछ अलग होता है। नहीं, मतलब जैसे होता है ना, ज्यादा तेज चलाओगे तो पलटने का खतरा हो जाएगा, क्योंकि ऊंची हो रहता है। ठीक है, मगर रह गई बात की अपने थोड़ा चलाने के, अपने चलाने के ऊपर भी रहता है कि ज़्यादा उसमें तेज ना चलाए। ठीक है, अच्छा आपका कुछ लगता है पलटने का डर, क्योंकि इसके मुकाबले थोड़ा सा कम है लेकिन मेरे ख्याल से ठीक अच्छी खासी है, पलटने का डर लगता है? नहीं। कभी पलटे? नहीं। पलटा आपका कभी? गाड़ी मेरा भी नहीं लगता कभी ही पलटा है। अच्छा, ना कभी ई रिक्शा कभी बीच में रुका है गाड़ी कैसे, बैटरी वैटरी का चक्कर में? नहीं, बैटरी का चक्कर में ऐसा तो कोई, ऐसा कोई समस्या नहीं। चार्ज कितनी देर में हो जाता है आपका? चार्ज तो 10 घंटा आसपास लगता है। 10 घंटा आसपास लग जाता है? आपका 6 घंटे में चार्ज जाता है? एक साल बाद भी आपका 10 घंटे में होता है, इनका एक साल होता है। आप चार्ज क्या लगाते हैं? घर पे लगाते हैं, घर पर ही लगाते हैं। और आप भी? मैं भी तो घर पे लगाता हूं। घर पर ही लगाते हैं, तो इनके इनसे पूछ लीजिए इनके 6 घंटे में कैसे होता है। और वही तो हम सुनकर कंफ्यूज हो रहे हैं। हा? वही तो हम भी सुनकर कंफ्यूज हो, 6 घंटे में कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। 5 किलो का स्टेबलाइजर लगा हुआ मेरा पास, तो वही है मेरा भी पास, 250 बना हुआ था, 5 किलो का स्टेबलाइजर। मेरे ख्याल से इन्होंने इनको जो स्टेबलाइजर मिला है कंपनी की तरफ से अच्छा मिला है, आपकी तरफ से नहीं मिला। कंपनी का चार्जर है मेरा तो, मैं कंपनी का ही है, लेकिन आपकी कंपनी का अच्छा नहीं होगा, इनकी कंपनी का कुछ तो फर्क है ना, कि इनका कुछ तो फर्क होगा, इनका 6 घंटे में आपके 10 घंटे में हो रहा है, तो ये कुछ तो फर्क है। अच्छा, एक बार पीछे से देख लेते हैं, हालत देख लेते हैं। मैं आपको बता दूँ, 1 साल पुराना है, 6 महीने पुराना है। पीछे से हालत अभी दोनों की ही खासा ठीक ही है, क्योंकि 1 साल पुराना है तो सबसे भी ध्यान रखना पड़ेगा, और ये 6 महीने पुराना है सबसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, पीछे से आपका कभी ठुका है कभी? नहीं, यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ बहुत ठुकता रहता है इस एरिया में, आपका ठुका है? नहीं यार, देखी है सामने पीछे लग नहीं रहा है, मतलब पीछे वाला इसमें ठुकेगा तो आपको लग रहा है कि ठीक ठाक बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बाहुबली अभी आप कितना चलाने, क्या मतलब बाहुबली के साथ प्लान है आपका चलाने में? आप तो पार्ट टाइम चला रहे हो, खैर आपको तो जब मन करे तब कभी आप चला रहे हो तो कभी आपका भाई चला लेता है। बिल्कुल। और आपका क्या है, आप फुल टाइम यही कर रहे हैं? फुल टाइम यही, खेती बाड़ी नहीं करते आप? वो तो घर पे लोग, वो चलता रहता है, चलता ही आपका भी एक तरह से पार्ट टाइम यही है। ऑफ सीजन में जैसे काम नहीं है तो फिर रिक्शा चला रहे हैं जी जी। चलो तो ये है दोनों, बाहुबली रिक्शा और पैंथर रिक्शा, ये है आपको 6 महीने पुराना, इसके बारे में आपको बता दिया मैंने, ये है आपका 1 साल पुराना यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमने आपसे पूछा,
कि क्या क्या है इसमें, क्या है। हालांकि 6 महीने पुराना, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं ले पाएंगे। ये 1 साल पुराना है, इसके बारे में बताया। बाहुबली 1 साल बाद भी अच्छा चल रहा है। ये है दोस्तों दोनों रिक्शा। अगर आपको बाहुबली रिक्शा लेना है तो वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है, रिक्शा ले सकते हैं। कहीं ना कहीं मेरे को दोनों के मुकाबले बाहुबली रिक्शा ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे बाहुबली रिक्शा ले सकते हैं, वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है। धन्यवाद।